बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 5ों उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। बिहार में लोकसभा की जो 5 सीटें खाली हुई थी उनमें 3 एनडीए के खाते में गई थी और 2 महागठबंधन के खाते में गई थी। महागठबंधन की तरफ से इस बार आरजेडी ने दोनों सीटें अपने पास रखी और उनमें प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह को उन्होंने राज्यसभा भेजा है, जबकि एनडीए में 2 सीटें जेडीयू के पास गई थी और 1 सीट बीजेपी के पास गई थी। बीजेपी की तरफ से इस पर आर के सिन्हा और डॉक्टर सीपी ठाकुर की सीटें खाली हुई थी, लेकिन चूंकि एनडीए के खाते में 1 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इसलिए बीजेपी ने इस बार डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को मौका दिया है। विवेक ठाकुर भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने अपने दोनों पुराने चेहरे को ही फिर से राज्यसभा भेजा है। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं, जबकि दूसरा चेहरा रामनाथ ठाकुर का है। चुनावी साल में सामाजिक समीकरणों को देखते हुए इन्हें फिर से मौका दिया गया है। हरिवंश को पीछे भेजे जाने के पीछे एक बार कयास ये भी लगाया जा रहा था कि जेडीयू राज्यसभा में उपसभापति की जो कुर्सी हरिवंश जी के पास है उसे वो बरकरार रखा जा सके। वहीं हालांकि महागठबंधन में सीटों को लेकर जरूर काफ़ी असंतोष उभरा है और वो असंतोष अब जीतन राम मांझी के विरोध से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस भी इस बात को लेकर नाराज थी, क्योंकि उनका मानना था कि 1 सीट आरजेडी अपने पास रखेगी, वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस ने दावा किया था। दोनों में बात भी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आरजेडी ने दोनों सीटें अपने पास रखी और इसमें प्रेमचंद गुप्ता के अलावा अमरेंद्र धारी सिंह को टिकट दिया गया। अमरेंद्र धारी सिंह को लेकर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर महागठबंधन में भी कई बातें हो रही हैं, बगावतें शुरू हो रही हैं और कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल अमरेंद्र धारी सिंह बिहार के एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं और उन्हें इस पहले से वो आरजेडी के कार्यकर्ता भी नहीं थे और उन्हें अचानक से टिकट देना और उन्हें राज्यसभा भेजे जाने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी कही गई थी। हालांकि इस बात को लेकर आरजेडी का कहना है कि अमरेंद्र धारी सिंह उनके सदस्य थे और इस बार पार्टी ने उन्हें ही देने का मन बनाया था और उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन में नाराज़गी है और जीतन राम मांझी ने भी इस नाराज़गी जताई थी। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उन्होंने सवाल भी उठाया था कि आखिर जिसको राज्यसभा भेजा गया है वो पार्टी में कितने दिनों से था, लेकिन पार्टी इसे अपना अंदरूनी मामला बता रही है। और इस तरह से देखें तो बिहार में जो 5 सीटें थी, 5ों सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो निर्विरोध राज्यसभा पहुँच चुके हैं।